अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं बी ब्लॉग्स। सबसे पहले तो आपको वेदर चेक करवाता हूं। ये चेक करें गाइस, माशाल्लाह से तकरीबन सारी रात ही बारिश लगी रही है और अभी रुकिए। मई का महीना है और सर्दी नहीं जा रही, बीच में किसी किसी टाइम गर्मी हो जाती है लेकिन प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हो रही। अभी हम जा रहे हैं इस वाली गाड़ी का रेडिएटर चेक करवाना, क्योंकि पानी कम करने लग गई है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा चेक करवाते हैं क्योंकि गर्मियां आ रही हैं आगे, तो फिर इश्यू ना हो। गाइस अभी हम घर से निकल चुके हैं, तकरीबन घर के बाहर अब हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी वर्कशॉप में खड़े हैं हम और मैकेनिक ने चेक किया गाड़ी, तो अभी उसने बोला कि सामने रेडिएटर वाला है, वहाँ पे जाओ, तो वहाँ पे जाके दोबारा चेक करवाते हैं गाड़ी। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं रेडिएटर वाले के पास। फ्रेंड्स अभी रेडिएटर खोल के चेक करना पड़ेगा, तो अगर तो उसका इश्यू हुआ तो उसको ये ठीक कर देंगे, नहीं तो वो कह रहे हैं कि गैस के टॉप को चेंज करनी पड़ेगी। गाड़ी अभी ये थोड़ी सी शेड के नीचे इनकी दुकान वाली साइड पे लगा दी है, रोड से हटा दी है, अभी यहाँ पे ये लोग खोलेंगे रेडिएटर। फ्रेंड्स अभी बताया है कि रेडिएटर गंदा भी हुआ है अंदर से, उसकी जालियां वगैरह और लीक भी हो रहा है, तो उसको सेट करते हैं, उसके बाद अगला मसला पता चलेगा। अल्लाह करे अगला मसला ना ही हो, तो बस अभी ठीक कर रहे हैं उसको, उसके बाद चेक करते हैं। फ्रेंड्स अभी रेडिएटर की सफाई चल रही है, तो उसके बाद इसे लगाएंगे वापस।
फ्रेंड्स अभी तक काम चल रहा है और काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन एक घंटा हो गया है। अब ये लोग फिक्स करेंगे और उसके बाद दोबारा चेक करेंगे कि कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती। अभी ये स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है तो ट्रैफिक आप चेक करें, काफ़ी ट्रैफिक है क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टी का टाइम है। फ्रेंड्स यहाँ से हम फ्री हो चुके हैं लेकिन अभी हमने फिर जाना है दूसरे मैकेनिक के पास, वहाँ से इसकी गैसकेट वगैरह चेक करवा लेते हैं। यहाँ पे गैसकेट के इंजन का सॉरी जो हेड होता है उसके नट वगैरह चेक करेंगे, अगर कोई उसमें से लूज़ होगा तो टाइट करेंगे, या फिर अगर टाइट हो गए तो फिर इसका मतलब है कि गैसकेट का काम है। अगर पहले से ही वो टाइट हैं, टाइट करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर गैसकेट जो है वो इसमें डालनी पड़ेगी। बाकी रेडिएटर का काम जो है वो शुक्र है कंप्लीट हो गया, काफ़ी गंद जमा हुआ था उसमें भी और उसकी क्या नाम है लीक भी था, लीकेज वगैरह बंद कर दी है। फ्रेंड्स अभी हम घर वापस आ चुके हैं और हमें हफ्ते का टाइम दिया सैटरडे का जो कि परसों है, तो उस टाइम हमें जाना पड़ेगा सुबह, तो काफ़ी टाइम लगेगा उस पर भी, फिर हमारी गाड़ी की गैसकेट चेंज होगी और उसके बाद पता चलेगा कि फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी गाड़ी। रेडिएटर का जो इशू था वो तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया, और परसों फिर हमारा टाइम लगेगा वहाँ पर, पूरा दिन तकरीबन लग जाएगा। तो अभी थके हुए आए हैं तो जाते हैं रेस्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।